ओ भाई लोग करो मॉडिफिकेशन देखो एक बार बाइक का, क्या ही खूबसूरत लग रहा है। देखो ओ भाई फुल्ली मॉडिफाइड बाइक है। और देखो सामने जो मिरर लगा हुआ है ज़ेरेक्स चैनल का। ओ भाई अरे यार ये तो खतरनाक वाला क्लोज कॉल था। ये देखो अरे भाई ये तो डेंजरस हो रहा है। ये वाला भी ये बंदा चार्ज हो गया। ये इसको ना पकड़ लिया पुलिस ने। हे गाइस वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। तो गाइस कैसे हो आप लोग? होप करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया होना भी चाहिए गाइस। तो गाइस आज हम सारे राइडर निकल चुके हैं एक बॉम्ब सा राइड के लिए। और आज का लाइनअप गाइस एक बार चेक कर लो तो देख सकते हो पहले ही है मेरा RC 200 और इधर है एक R15 V3 और इधर एक RC 390 और उधर है N160 और एक और R15 V3। तो बॉम्ब सा राइड के लिए तैयार हो जाओ गाइस। अभी निकलते हैं और देखते हैं आगे का सीन क्या होने वाला है। तो गाइस फिलहाल तो अभी हम लोगों का राइड हो चुका है शुरू। और आज का गाइस वेदर देख सकते हो क्या मस्त वेदर है और राइड करने में भी आज काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो गाइस अभी ना बारिश का टाइम चल रहा है जिसके चलते हम लोगों का डेली राइड नहीं हो पा रहा है, तो डिले हो रहा है राइड का और जिसकी वजह से व्लॉग भी लेट करके आ रहा है। तो अभी बारिश का सीज़न जाने दो, फिर कंटिन्यू राइड आता रहेगा। और गाइस वीडियो पे ना आप लोग प्यार दिखाओ, थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट दिखाओ। वीडियो पे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करते रहो। कुछ भी करो लेकिन शेयर ज़रूर करना गाइस। तो चलो आगे रेड सिग्नल है तो इधर को रुकना पड़ेगा अभी। तो रोड में थोड़ा सा रश है और जगह जगह गड्ढा है जिसके चलते थोड़ा सा मुश्किल होगा हाइपर राइड करने में। ये होता है कोलकाता का हाईवे, हाईवे पे भी बड़ा बड़ा गड्ढा गाइस क्या ही बोले। अब चलो हो जाए ड्रैग। तो भाई फुल हाइपर मोड में है, ड्रैग के लिए बोल रहा है। तो फिलहाल तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं बैरकपुर वाले साइड, क्योंकि यहाँ से ना बैरकपुर वाले रोड पे हाइपर राइडिंग करने में काफ़ी मज़ा आता है और रोड भी काफ़ी सही रहता है, तो जिसके चलते हाइपर राइडिंग करने में बहुत ही मज़ा आता है गाइस। और कुछ दिनों से ना गाइस रोड में कुछ ज़्यादा ही रश दिखाई दे रहा है, देख रहे हो आगे कितना रश है रोड में। और ये ट्रैफिक फिल्टरेशन करने में RC लेके काफ़ी मज़ा आता है। ओ भाई ये लोग तो फ्लाई बाई मारते हुए जा रहा है। ओ भाई अरे यार ये तो खतरनाक वाला क्लोज कॉल था। क्या चला रहा है भाई यार जादव भाई, खतरनाक वाला चला रहा है गाइस। फुल हाइपर मोड में है आज, क्या कट मार रहा है आज। खतरनाक गाइस खतरनाक, पूरा रोड में आज ट्रैफिक है, फुल रश, रश में ट्रैफिक फिल्टरेशन गाइस खतरनाक वाला हो रहा है। हेलो 390 भी आ चुका है रश में ट्रैफिक फिल्टरेशन करने के लिए। ओ भाई लो क्लोज कॉल। ओ भाई ड्रैग चेक करो,
ओ भाई गाइस, फ्यूल तो ना हम लोग आ चुके हैं बैरकपुर वाले साइड। और गाइस मेरा ना गोप्रो हो चुका था हैंग, आगे का कितना फुटेज रिकॉर्ड हुआ मुझे पता नहीं, ठीक है। तो अभी देख रहे हैं कि यहाँ आके कि अपना गोप्रो हैंग हो चुका है और वीडियो नहीं बना, ठीक है। अभी देखना पड़ेगा कौन कौन सा पार्ट आया है कि नहीं। क्या यार इतना खर्चा करके इतना महंगा एक्शन कैमरा लेके क्या फ़ायदा, वो तो हैंग होता ही है। चलो दीनूदा आगे कौन पहुंचता है देखते। ओ भाई ये देखो, ये तो भगाना स्टार्ट कर दिया। ओ भाई ये लोग भी भगाना स्टार्ट कर दिया। चलो देखते हैं दीनूदा आगे कौन पहुंचता है। चलो चलो चलो। ओ भाई लो फुल ऑन हाइपर। अरे ये लोग क्या कट मारते हुए जा रहा है भाई, खतरनाक वाला कट। ओ भाई 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 भाई, जादव तो आगे निकल गया लेकिन ओम नहीं निकल सका। फुल ऑन स्ट्रीटलेस लग चुका है भाई। सबसे पहले R15 V3 निकला, फिर उसके पीछे है 390। भाई स्ट्रीट में ना CC मैटर नहीं करता, कौन कहां से कट मार के निकलेगा ये मैटर करता है। ये कितना हेवी राइडर है। और मेरे बिल्कुल पीछे ओम। ओ भाई ये तो क्लोज कॉर्ड मारते हुए निकलता है गाइस, अचानक से निकल गया थोड़ी सी इंच के लिए। ओहो ये देखो, भाई आज क्या खतरनाक वाला राइड हो रहा था, तो सबके सब फुल चार्ज हो गया, मजा आ गया ब्रो। तो आगे से हम लोग लेने वाले हैं यू टर्न क्योंकि काफी दूर तक आ चुके हैं। तो गाइस फिलहाल तो यहाँ पर एक शॉप पे ना रुके थे और यहाँ पर ना एक R15 V3 मॉडिफाई करते हुए रखा हुआ था, देख के ना काफी अच्छा लगा। और क्या ही खतरनाक वाला मॉडिफिकेशन इसमें है, देखो सामने की तरफ ना R6 का मार्क्स और मॉडिफिकेशन देखो एक बार बाइक का, क्या ही खूबसूरत लग रहा है देख रहे हो। और एक बार चेक करो, और पीछे की तरफ काउल लगा हुआ है, फुल्ली मॉडिफाइड बाइक है। और देखो सामने जो मिरर लगा हुआ है ZX Trainer का, और आगे एक बार चेक करो ये वाला सीन देख रहे हो, DRL लगा हुआ है दोनों तरफ, खतरनाक लुक रहा है गाइस। आप लोग भी कमेंट करके बताओ आप लोगों को कैसा लगा ये वाला बाइक, मुझे तो बहुत ही खतरनाक लगा गाइस। शानदार शानदार, ऐसा मॉडिफिकेशन मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरे पास भी पहले R15 था तो उस पर भी काफ़ी सारा मॉडिफिकेशन किया है, लेकिन ये वाला मॉडिफिकेशन अब बहुत ही बॉम है। यहाँ पर एक ही है ऐसा बाइक, तो देख सकते हैं एक ओवरऑल व्यू आप लोगों को दिखा दिया। और आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसा लगा ये वाला V3। तो गाइस फिलहाल तो अभी यू टर्न लेकर ना एक चाय की दुकान पर रुक गए थे, और वहाँ पर ना एक ख़तरनाक वाला आप लोगों ने देखे कि R15 V3 मॉडिफिकेशन करके रखा हुआ था, मतलब क्या ही लग रहा था मॉडिफिकेशन, नेक्स्ट लेवल था, मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगा। और किस किस को वो वाला मॉडिफिकेशन अच्छा लगा तो कमेंट करके बताना। A few moments later. अरे भाई ये तो डेंजरस हो रहा है, ये वाला भी ये बंदा चार्ज हो गया। ओ भाई रैंडम लड़के से ड्रैग, भाई क्या चला रहा है ये।
खतरनाक ड्रैग लगा है गाइस। और ये इसको ना पकड़ लिया पुलिस ने, रेड सिग्नल क्रॉस कर लिया। नहीं नहीं सिग्नल जब पड़ा ना, हाँ आगे जाके वहाँ पर रुका, उसको निकल जाना चाहिए था ना, गलत किया। और पता नहीं क्या हुआ गाइस, आगे ना आकाश को पकड़ लिया था पुलिस ने, और उधर लेन भी नहीं था रुकने का कहीं पे, साइड होके जो रुकेंगे वो मौका ही नहीं मिला। तो गाइस आगे से कहीं पे ना रुकना पड़ेगा, फिर जाके यू टर्न लेके फिर जाना पड़ेगा। देखना पड़ेगा क्या उसका बाइक को सीज कर दिया कि नहीं पुलिस ने। असल में उसका गलती ये था कि वहाँ पर रेड सिग्नल गिर गया था और वो फिर भी मतलब आगे चला गया। आगे चला गया ठीक है, एकदम से चले जाओ, वो बीच में रुक गया, यही प्रॉब्लम था जिसके चलते पुलिस ने उसको पकड़ लिया। उसको निकल जाना चाहिए था। तो फिलहाल तो अभी जाते हैं उसके पास और देखते हैं क्या हुआ है सीन आगे का। तो इस व्लॉग को गाइस इधर ही एंड करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को आज का राइड अच्छा लगा होगा तो ज़रूर से वीडियो पर लाइक कर देना और कमेंट ज़रूर से करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को उसे सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं आप लोगों से गाइस नेक्स्ट किसी ऐसा ही मस्त सा हाइपर सा व्लॉग पे। तब तक के लिए गाइस टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।